सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर हो आसमां पर तो जमी वालों से जलना क्या, अगर हो चांद सूरज तो चमक जुगनू की खलना क्या, बड़े हो तो बड़प्पन का जरा लहजा भी तो रखो, जरा सी बात पर अक्सर यू बच्चों सा उछलना क्या। जन्नत की महलों में हूँ महल आपका, ख्वाबों की वादी में हूँ शहर आपका, सितारों के आंगन में हूँ घर आपका, दुआ है सबसे खूबसूरत हो हर दिन आपका। आज का पंचांग 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 3:16 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:57 से 6:28 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, किसी समाज सेवी संस्था में आपका विशेष योगदान आपको समाज में मान सम्मान व यश की प्राप्ति करवाएगा। आपके अपने व्यक्तिगत काम आज काफी हद तक सुचारू रूप से पूर्ण हो जाएंगे। छोटे काम में भी मिली सफलता आप बड़े पैमाने पर पाएंगे, जिसमें आप जरूरत से ज्यादा वक्त देकर बाद में पछता सकते हैं। अपने काम के अलावा भी आप किसी हॉबी या अलग काम से पैसा कमा सकते हैं। विद्यार्थी अपना वक्त किसी समाज कार्य में लगाएंगे। घर के बच्चों की मदद से घर का कोई बिगड़ा कार्य शुरू होगा। काम के बदले में मिलने वाले पार्टनर मिलकर किसी विषय का ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं। आज अवकाश या रोमांस के लिए समय निकालें। नए विचारों या आध्यात्मिक लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अपने सूझबूझ का प्रयोग करें किंतु कारणों को नजरअंदाज ना करें, खासकर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है। कोई बुजुर्ग शायद दादाजी आपके दिमाग में सुखद विचार लाएंगे, उनके दोस्तों और उनके भी दोस्तों से संबंधित है, अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। पूरी दुनिया को अपने दोस्तों के नजरिए से अनुभव कर सकते हैं। कामयाबी केवल किस्मत वालों को ही नसीब होती है, इसीलिए इसे छोटा ना समझें। सावधानियां, किसी अनजान व्यक्ति के साथ वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि इसकी वजह से थाने आदि के चक्कर लगने की भी आशंका बन रही है। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं। प्यार में रचनात्मकता आपके लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी, इसलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करें। पेट संबंधी समस्याएं अभी परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखें। व्यवसायिक संकट को अपनी पार्टनर से शेयर करें और उनसे राय लें। आज उन लोगों से मिले जिनकी वजह से आपका जीवन गुलजार है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ आपको सहज महसूस होता है। आपका साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको खुश और शांत रखता है। अपने साथी को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल करें और उनके पसंदीदा कामों में उन्हें प्रोत्साहित भी करें। पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर तकरार उत्पन्न हो सकती है, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की बजाय
स्वयं ही बैठकर सुलझाएं तो अच्छा है। सेहत की बात करें तो यह समय आनंद, आराम और विलासिता भरे जीवन को त्याग कर रचनात्मक कार्य करने का है। अपनी बुद्धिमता से आप अतिरिक्त आय के नए अवसरों को पा सकते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना भी आवश्यक है। आपका आज का दिन दोस्तों को समर्पित है, यानी नए दोस्तों को बनाना और पुराने को सहेज कर रखना। आज उन लोगों से मिले जो आपके प्रिय हैं और जिनका आपके जीवन में विशेष महत्व है। पुराने और करीबी दोस्तों की कंपनी इन दिनों के दौरान आराम देगी। दोस्तों की नजरों से आप कई अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता की वजह से कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान आप नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। सेहत की बात करते हैं, आज आप पेट से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी खुराक में शुद्धता की मात्रा देखनी होगी और अपनी खुराक को और बेहतर बनाने के उपाय खोजने होंगे। आपको चिप्स छोड़कर फल और सोडा छोड़कर जूस पर निर्भर होना होगा। आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है और इसे कायम रखने के लिए आपको तरीके खोजने होंगे। आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान भी महसूस कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव के 21 नामों का जाप करें। ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।